दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक यादव और स्वागत है आप लोग का काशी कार लवर्स चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने खड़ी है स्विफ्ट डिजायर 5705। ये मेरे फ्रेंड्स की या मेरे अंकल की बोल सकते हैं गाड़ी है, और आज मैं आप लोग का इसका फुल रिव्यू दूंगा और दिखाऊंगा इसके बारे में गाड़ी कैसी है, कितने मिली और उन्होंने क्यों सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी परचेस का। आइए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर VXi 2013 मॉडल, और आज मैं आप लोग का इसका फुल एक रिव्यू दूंगा। इन्होंने मेरे अंकल जो हैं वो कहीं जॉब करते हैं बाहर, और ये कार उन्होंने ख़रीदा है, और ताऊ जी बोल सकते हैं, उनके बेटे जी आए हैं, उनसे रिव्यू लेंगे। ये हैं सर, कैमरा सही नहीं आ रहा। हाँ निखिल, अब आया सही। पहले अपना परिचय दो भाई। माय नेम इज निखिल यादव। वाह, अंग्रेजी में आ गए यार। और ये आपकी कार है? ये आपकी कार है। और आपने नया गाड़ी क्यों नहीं लिया भाई? आपने न्यू गाड़ी इसलिए नहीं लिया, कोई चलाने वाला है नहीं घर पे। हाँ, और पापा जी हैं तो सर्विस करते हैं। अच्छा, तो इसलिए सेकंड हैंड ही लिए। अच्छा, और बढ़िया है गाड़ी, अच्छी है। अच्छा, पेट्रोल क्यों लिया, डीजल का है नहीं लिया? पेट्रोल गए थे, डीजल लेने गए थे पर मिली नहीं, डीजल नहीं मिली। तो भाई पेट्रोल में है या, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि डीजल पेट्रोल गाड़ी में क्या अंतर होता है, और यह कार कैसी है चलने में, कैसे चलाने में है, कितनी अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिली, कितनी चली हुई है। तो पहले बात कर लें इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल की बात में, तो इसमें ये देखिए VXi, ये स्विफ्ट डिजायर VXi मतलब पेट्रोल में आती है, VVT इंजन में आता है, और जहाँ पे आप VDI या ZDI देखेंगे, जहाँ D लग जाएगा वो डीजल हो जाएगा, X लगेगा पेट्रोल हो जाएगा। आपको मैं जानकारी दे दूँ फ्रेंड्स, 2013 मॉडल है गाड़ी, इन्होंने कितने में खरीदा, कितनी चलाई, चली हुई गाड़ी है, कैसी किस कंडीशन में, टायर प्रोफाइल क्या क्या इंजन है, वो मैं आप लोग को आज बताऊँगा, और गाड़ी क्या इतने पैसे में इसको लेनी चाहिए। तो ये गाड़ी में फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, इसमें जो है 1200cc का पेट्रोल इंजन आता है, 1197cc का पेट्रोल इंजन इसमें आता है, और ये 4 सिलेंडर का इंजन है। मैं आपको इंजन भी खोल के दिखाऊंगा फ्रेंड्स, आइए एक बार इंजन आपको देखते हैं इसमें। हाँ तो फ्रेंड्स, एक कुछ टाइप से इसका इंजन है, आपको दिखा दूं मैं, जो स्विफ्ट डिजायर में इंजन पेट्रोल इंजन आता है वही इस टाइप का इंजन है, 4 सिलेंडर इसमें इंजन है। आपको इंजेक्टर्स में दिखा दूं तो आपको काफ़ी डीपली एक दो उधर बगल में है, और इसका एयर फिल्टर है, इसमें बैटरी कुछ इस टाइप की आ जाती है, और काफ़ी सारा स्पेस अंदर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। और आपको मैं एक बार इसका नॉइस स्टार्ट करके सुनाता हूँ, और जो इंजन है 1197cc का 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन आता है, और जो आपको पावर निकालता है फ्रेंड्स 85 BHP की पावर निकाल देता है, और 113 Nm का टार्क इंजन बड़े प्यार से निकाल देता है, पावर की कोई लैक की कोई कमी इसमें नहीं पड़ती है। और फ्रेंड्स की माइलेज की बात करें तो आइए इनसे पूछते हैं, या माइलेज कितने की निकाल देती है निखिल जी? लगभग 1500 के आसपास निकाल देते। तो पेट्रोल गाड़ी आप देखो भाई, किसी भी कंपनी का आप गाड़ी ले लो, पेट्रोल चाहे टाटा टियागो हो, चाहे टाटा टिगोर हो, चाहे स्विफ्ट डिजायर हो, चाहे ब्रेजा हो, किसी भी गाड़ी का एवरेज 15 से 18 के बीच में ही रहता है भाई। हाईवे पे चलोगे बहुत बढ़िया, अच्छा रोड है, 5 नंबर में तो आराम से 20-22 का देगी, लेकिन 80% लोग लोकल में ही चलते हैं, हाईवे पे तो कभी कभी जाना होता है, तो 15 से 16-17 के बीच में आप इसका एवरेज रख सकते हो। पेट्रोल गाड़ी खर्चा कम निकालती है, इसमें बैटरी भी छोटी आती है डीजल गाड़ी की अपेक्षा, डीजल गाड़ी में बैटरी भी बड़ी आती है। और एक बार इंजन को स्टार्ट करके इसका आवाज़ आपको सुनाते हैं, स्टार्ट करिए इंजन। और फ्रेंड्स इसका बोनट बंद हो गया है, और आप आवाज़ देख सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट इंजन है, बिल्कुल प्यारा इंजन है। और निखिल जी, आप ये कार कितने में खरीदी थी? इसको लगभग 3-10 में लिए थे। 3-10 में, तो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी है? जी, अच्छी कार है चलने में, और बढ़िया है, मस्त है, सस्पेंसर वगैरह सब कुछ स्मूथ मैंने चलाया, गाड़ी को अभी चला के भी दिखाएंगे, सस्पेंसर वगैरह बहुत ही अच्छा है, चलने में बिल्कुल स्मूथ गाड़ी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लें इस कार को, कुछ इस टाइप से स्विफ्ट डिजायर पुरानी वाली दिखती थी, इसमें 3 वर्जन आए, पुराना वाला था, सेकंड था, इसके बाद फिर एक और नई वर्जन आया, फिर नया, अभी 4th जनरेशन स्विफ्ट डिजायर चल रही है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको जो है हैलोजन या प्रोजेक्टर वर्क नहीं मिलते थे, नॉर्मल हैलोजन वर्क है, इंडिकेटर्स है, और इसमें VXi में आपको फॉग लैंप का भी ऑप्शन मिल जाता था, इसमें कोई किसी भी प्रकार क्रोम फिनिशिंग नहीं है, सिर्फ सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और इंडिया वाला नंबर प्लेट भाई, और इधर भी वही सेम है, और इसके आपको RPM पे भी जो है साइड इंडिकेटर्स का लोगो मिल जाता है, और बॉडी कलर का जो है डोर हैंडल इसके मिल जाते हैं, टायर प्रोफाइल 14 इंच के टायर इसमें आते हैं, ये रहा पेट्रोल यहाँ से भरते हैं, पीछे की प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है फ्रेंड्स। और गाड़ी को चला के देखते हैं और अंदर से गाड़ी कैसी है,
और दोस्तों बात करें इसके डोर की, तो इस टाइप से इसमें डोर मिल जाते हैं आपको जो है VXI में। आप देख, धूप शायद ऐसी है, हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। तो ये चारों पावर विंडो का ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डोर ओपन करने क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, और ये RBM सेट करने के लिए है दोस्तों, जिससे आपकी RBMs को अपने हिसाब से अंदर से मैनुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और स्टेयरिंग से कुछ अंदर इस टाइप से देखती है गाड़ी, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आपको क्रोम की फिनिशिंग नहीं, कुछ वुडन कलर फिनिशिंग मिल जाता है, और काफ़ी पुरानी डिज़ायर जो पुरानी मारुति कुछ क्वालिटी अच्छी देती थी अब की अपेक्षा। तो अंदर से बात करें फ्रेंड्स, तो कुछ इस टाइप से है। इस सब डिज़ायर को आपको इस टाइप से अंदर का डैशबोर्ड आपको मिल जाता है। यहाँ पे कंपनी का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है आपको, और इधर यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिल जाता है। सब डिज़ायर में कोई कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं, आप कुछ यहाँ जमा सामान रख सकते हैं। और आपको वुडन फिनिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं, VXI मॉडल में ही है। उस डोर पर भी आपको वुडन फिनिश मिल जाता है, क्रोम मिल जाता है। पावर विंडो चारों पावर विंडो पर हैं, और डैशबोर्ड काफ़ी यूनिक, काफ़ी बड़ा इसका है। और क्लस्टर मीटर की बात करें फ्रेंड्स, तो कुछ इस टाइप का क्लस्टर मीटर पुराने वाले स्विफ्ट डिज़ायर में आपको मिलते थे, जो काफ़ी ही यूनिक और अच्छे लगते हैं। और दिखा दे गाड़ी कितनी चली है आपको, तो 85,270 किलोमीटर गाड़ी चली है। 2-7 का ट्रिप है फ्रेंड्स, और गाड़ी पेट्रोल है, पेट्रोल में अच्छा खासा माइलेज गाड़ी निकाल देती है दोस्तों। और गाड़ी स्टार्ट करके भी नॉइस सुनाता हूँ कि गाड़ी को अंदर कितनी आवाज़ आती है भाई। ये गाड़ी है स्टार्ट, RPM आप देख सकते हैं, और आप केबिन नॉइस महसूस करिए। सॉरी, विंडो सारी बंद करके देखता हूँ। बंद है ना? बंद, अच्छा बंद है। अभी सारे विंडो बंद हो गए, आप नॉइस सुनिए भाई साहब, बिल्कुल ना के बराबर नॉइस है। कुछ इस टाइप से इसकी स्टीयरिंग आती थी फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको AC का बटन्स मिल जाते थे मैनुअल। आप ब्लोअर की आवाज़ सुनिए, AC के बटन मिल जाते हैं, एडजस्टेबल AC यहाँ मिल जाती है किसी प्रकार का। यहाँ पे नीचे आपको जो पावर सॉकेट मिल जाती थी, किसी प्रकार नीचे उस भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप कुछ सामान बोतल वगैरह रख सकते हैं। गियर नॉब है, गियर नॉब है, कोई प्ले नहीं है, बढ़िया है। ये आपको जो है पता होगा क्या है, क्या है बताओ निखिल? हैंड ब्रेक है गाड़ी। आप ढलान पे इसको उठा सकते हैं, तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। किसी प्रकार का इसमें जो है हैंड रेस्ट नहीं दिया रहता है, पीछे रियर AC नहीं दे रखा है। और इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा फ्रेंड्स है, पीछे भी एक बंदा आराम से, निखिल की हाइट लगभग 6 फीट है, और आगे इनके अनुसार सीट एडजस्ट है। और उनको मैं पीछे बैठा के देखता हूँ पीछे कितना उनका हेडरूम और लॉग रूम मिलता है। फ्रेंड्स आपने ये देख लिया, और गाड़ी को करते हैं बंद, और पीछे का आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना स्पेस है। और दोस्तों बात करें तो आप देखिए, इनके 6 फीट लगभग निखिल की हाइट है, और इनके अनुसार अच्छा खासा लेग रूम भी मिल जाता है। लॉन्ग जर्नी का, जो कि लॉन्ग जर्नी पे काफ़ी आरामदायक होता है। हेडरूम की बात करें तो इतना सा हेडरूम काफ़ी नहीं कहेंगे, लेकिन कंफर्टली आदमी आराम से, दो बंदे पीछे आराम से लॉन्ग जर्नी पर जा सकते हैं, एक बच्चा पीछे आराम से बैठ सकता है फ्रेंड्स। अब गाड़ी को चला के देखते हैं, और इसमें बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस खोलिए, लगभग 320 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है फ्रेंड्स। और आपको मैं इसका बूट स्पेस खोल के दिखाता हूँ कितना इसमें स्पेस है। कुछ इस टाइप से इसका बूट स्पेस है, आराम से बड़े बड़े 3 लगेज 3 कैरी बैग आ सकते हैं। जो स्टेपनी इसके नीचे इसकी दी हुई है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ, ये रही स्टेपनी इसकी, नीचे स्टेपनी है। गाड़ी में जैग वैग कुछ ऐसा नहीं है? है घर पर है? नहीं नहीं, उसी में अंदर। अच्छा, इसके नीचे जैग रखा हुआ है इन्होंने। ये तो मैंने ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना, वहाँ पर वही है ना। और गाड़ी को चला के देखते हैं फ्रेंड्स, चलने में गाड़ी कैसी है। एक नंबर में गाड़ी लगा दिया हूं, और आप देख सकते हैं मैंने एक्सेलेटर पर हटा रखा है, और मैं छोड़ रहा हूं इसका क्लच, और गाड़ी आराम से बिल्कुल स्मूथली उठ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप, और गाड़ी ये चल रही है फ्रेंड्स, ये देखिए आप, एक नंबर लगाया हूं इंजन की पावर क्षमता। और मैं अभी टेस्ट करूँगा 2 नंबर लगा के भी कि क्या, देखिए अभी मैं छुआ रही हूँ, टच नहीं किया हूँ एक्सेलेटर, और गाड़ी आराम से चल रही है। और मैं 2 नंबर लगा के टेस्ट करता हूँ क्या गाड़ी 2 नंबर में भी बिना एक्सीलेटर के उड़ जाती है। फ्रेंड्स मैं 2 नंबर लगाया हूँ, किसी प्रकार का कोई एक्सीलेटर नहीं टच कर रहा हूँ, गाड़ी स्मूथली आराम से चल रही है, इंजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरा पैर पीछे है,
तो ये होती है 1200 सीसी का मतलब क्षमता जो स्विफ्ट डिजायर में देती है बड़ी गाड़ी के हिसाब से। और थोड़ा सा हम अभी गाड़ी को घिसते हैं, देखते हैं पावर और कैसी है गाड़ी की। तो दोस्तों दो नंबर में भी अच्छा पावर गाड़ी जनरेट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख में भाई ने गाड़ी खरीदा है, सस्पेंसर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। किसी प्रकार की गाड़ी में कोई भी आवाज़ आप सुन सकते हैं, कोई भी आवाज़ गाड़ी में नहीं है। देखिए अब गड्ढों में थोड़ी गाड़ी को कुदा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि स्विफ्ट डिज़ायर सेकंड हैंड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आप कमेंट में देख के बताओ। और जिस बंदे को किसी को भी चाह रही है गाड़ी पर्सनल चलने के लिए कि मैं सेकंड हैंड कंसीडर करूँ, 3 से 4 लाख का बजट है तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, उनकी रनिंग कम हो तो आराम से कंसीडर इस कार को कर सकते हैं। बशर्ते रनिंग कम होनी चाहिए, और ज़्यादा रनिंग होगी तो मैं डीजल प्रेफर करूँगा, और उसका मेंटेनेंस खर्च भी काफ़ी कम है। और आराम से ये गाड़ी का जो है फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि 3,3500 में 3,3500 में इसकी सर्विसिंग हो जाती है फ्रेंड्स। इस टाइप से स्विफ्ट डिजायर, और आइए इनसे बाहर निकल के बात करते हैं फ्रेंड्स से। ये अपना गांव, अपना एरिया, यहाँ पे हम लोग रनिंग करते थे। आओ निखिल, तो कैसा लगा हमारे चैनल पे? बढ़िया लगा, अच्छा अच्छा लगा हमारे चैनल पे। तो भाई ये स्विफ्ट डिजायर है और ये निखिल है, इनकी गाड़ी है। तो हमारे चैनल पे आप अगर फ्रेंड्स नए हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप बताओ कैसा लगा हमारे साथ वीडियो बना? अच्छा लगा आपके साथ, एकदम बढ़िया, मजा आया ना? एकदम मजा आया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ठोको ताली और ठोको लाइक और दबा दो एक्सीलेटर का सब्सक्राइब वाला। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत बोल दो। जय हिंद जय हिंद जय भारत।